कृषि मंत्री ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी थाली पे कोई ज्यादा खतरा नहीं है। नहीं, थाली और चूल्हा दोनों, चूल्हा जलते रहना चाहिए, थाली में अनाज रहना चाहिए। भारत आटा आपके सामने उपलब्ध है, भारत चावल आपके सामने उपलब्ध है। आम आदमी के घरों में प्रदूषण रहित खाना बने इसकी चिंता की जाती है। हमेशा किसान छोटी छोटी आवश्यकता के लिए किसी और के पास न जाए। डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ किसानों तक पहुंचे। आपका संबंध, तो आप कृषि मंत्री हैं तो घर की थाली तक से है आपका संबंध। दाल कभी सस्ती होने वाली है या नहीं? दाल का उत्पाद क्या है अभी? नहीं, दाल कुल मिलाकर के दाल की कीमत अगर आप पूरी तरीके से देखें तो कमोडिटी मार्केट नियंत्रण में है। पूरी तरीके से आप देखें तो आपका जो खाद्यान्न है, जो मूल्य का जो सूचकांक है, उसको आप अगर देखें तो अगर आप इन्फ्लेशन के रेट को 2013-14 के पहले का और उसके बाद का देखें तब आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से प्रबंधन हुआ है इन्फ्लेशन का। और आज इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं कि इस तरीके से दाल के बारे में, दाल आज चना दाल आप देखिए उपलब्ध है बाजार में, भारत चना। हाँ, आप देख लीजिए उसका रेट क्या है, 60 रुपये उपलब्ध है। भारत आटा आपके सामने उपलब्ध है, भारत चावल आपके सामने उपलब्ध है। अब हमारा खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़े, बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए कृषि मंत्रालय एक नया अभियान और इसीलिए किसान सम्मान निधि, ताकि हमेशा किसान छोटी छोटी आवश्यकता के लिए किसी और के पास न जाए। किसान सम्मान निधि 3 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ किसानों तक पहुंचे। तो मतलब ये है कि कृषि मंत्री ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी थाली पे कोई ज्यादा खतरा नहीं है। नहीं, थाली और चूल्हा दोनों, चूल्हा जलते रहना चाहिए, थाली में अनाज रहना चाहिए खाने का भोजन, तो इसलिए 81 करोड़ जनता तक अनाज पहुंच रहा है। चलिए आखिरी सवाल, 81 करोड़ लोग तक पहुंच रहा है। हाँ। और उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन के लिए आप बताइए कि पहले के दिनों में सांसद को बताया, बोला जाता था कि गैस का कनेक्शन एक दे दीजिए, आपके कोटा से। कोटा सिस्टम खत्म, आज आम आदमी के घरों में प्रदूषण रहित खाना बने इसकी चिंता की जाती है और लोगों तक पहुंच रहा है। आखिरी सवाल हमारा, किसान आंदोलन, क्या कभी आपको लगता है कि ये इस आंदोलन से पूरी तरह से निपटा जा सकता है या इसको, इसका सॉल्यूशन कोई है? देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिसके बारे में समझ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देश एकांकी में नहीं चलता, देश समग्रता में चलता है। सभी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए जो बेहतर हो सकता है वो सबके मिलकर के फैसला लेना पड़ेगा और उसमें सबकी सहमति हो, यही प्रयास हमारा है। और इसलिए हमने सभी स्टेक होल्डर से कहा कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की भी बात को सुनते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इसमें प्लस माइनस क्या है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरनी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय थेला, धनबाद।